अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी। तो हमने लिया है 4 टमाटर और 1 कटोरी प्याज और 3 हरी मिर्च और थोड़े लहसुन और हरा धनिया, थोड़ी इमली, थोड़ा ज़ीरा। अब हम टमाटर को अच्छे से भून लिया है, उसको निकालेंगे। तो निकालने के बाद हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। अब हम हरी मिर्च को और लहसुन को अच्छे से भून लिए हैं, अब इसको हम निकालेंगे। अब हम मिक्सी में हरी मिर्च और लहसुन और टमाटर और हरा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी इमली और नमक डालकर पीस लेंगे। अब हम इसको पीस लिया है थोड़ा मीडियम ही। अब इसको हम बॉईल में डालेंगे और कटी हुई प्याज तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हमारी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। तो आप इसको चावल से भी खा सकते हैं और रोटी से भी खा सकते हैं। आप ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताना।